એય ગુજરાતી ફોન બંધ કર સાઈન અપ ક્લિક સાઈન અપ ક્લિક હા इसके पहले मैं आज़ाद शिवा कर रही थी तो कुछ फोटोज उसके हैं, कुछ फोटो टाइगर अभी जिंदा के हैं और एक है जिसमें मैं गौरव शाह के साथ कर रही हूँ, वो काफ़ी अलग रोल है उसमें, उसमें देसी भी है और थोड़ा बोल्ड भी है, तो वो फोटो मेरे ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। उसमें मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी है और गौरव के साथ केमिस्ट्री भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बहुत अच्छी लगी। ये हमारी पहली फिल्म होगी और हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ऐसी उम्मीद है कि एक नया पैर मार्केट में आएगा। पूनम दुबे के जहाँ शहर है इलाहाबाद, अभी उसका नाम हो गया प्रयागराज, वहाँ बहुत बड़ा कुंभ मेला लग रहा है, क्या पूनम दुबे नहाने जाएगी? नहीं, पूनम दुबे दिल से तो चाहती है कि जाने का मौका मिले, लेकिन जब से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई हूँ मुझे 4 से 5 साल हो गए इलाहाबाद जाने का मौका नहीं मिला और कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रयागराज में शूटिंग ही नहीं करता। क्या प्रयागराज में कभी आपने नहाया है? बचपन में कभी? बचपन में नहीं, मतलब मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से 2012 तक मैं हर कुंभ में गई हूँ, से 2013 से जब से मुंबई प्रयागराज छूटा है तब से जाना नहीं। कुछ वहाँ की खूबियाँ बताना चाहेंगी? बहुत सारी खूबियाँ हैं और अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रयागराज में जो महाकुंभ होता है, कुंभ होता है, उसको बहुत ऊँचे दर्जे पर माना गया है और उसको एक अलग ही लेवल दे दिया गया है और उसके लिए। नौलखा मंदिर में गई कभी? नवग्रह मंदिर है, नौलखा मंदिर नहीं है, नवग्रह मंदिर है पत्थर चट्टी के बगल में जहाँ पे नवग्रह की पूजा होती है और वहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी पर्टिकुलर एक भगवान के लिए आए, वहाँ पे नवग्रह है और सारे ग्रह हैं, उसके अलावा राम जी की फ़ोटो है, कृष्ण भगवान की फ़ोटो है, शिव जी की है, सारी जगह है। वहाँ पे हनुमान जी का भी फोटो है नीचे कहीं देखिए? नीचे फोटो नहीं है, बहुत बड़ी मूर्ति है बल्थवा के हनुमान जी, उनको लेटे हुए हनुमान जी कहते हैं और जिनको उठाने की कोशिश कई बार मिलिट्री वालों ने सोचा कि उनको सीधा कर दें, बट ऐसे मान्यता है कि वो गंगा मैया से पहला स्नान वही करते हैं इसलिए वो हमेशा लेटे हुए रहते हैं, उनको आज तक कोई सीधा नहीं कर सका है। जितना करते हैं वो 10 फुट नीचे हो गए, पहले 10 फुट ऊपर थे, वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं जितना उनको लोग उठाने की कोशिश करते हैं। अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे कुंभ मेला के बारे में, कब जाएं, क्यों जाएं? मैं अपने दर्शकों से यही बोलूंगी कि अगर हो सकता है तो प्लीज़ महाकुंभ में जाएं, दर्शन करें, गंगा स्नान करें, तन को नहीं अपने मन को पवित्र करें, मन अच्छा है तो सारी चीज़ें अच्छी हैं और ज़रूरी नहीं कि कुंभ में स्नान करके ही मन को अच्छा किया जा सकता है, आप अच्छे काम कीजिए सब अच्छा। अच्छा, जो लोग पाप किया वो जा सकता है? ये कहना गलत है कि आप पाप करो तो गंगा मैया साफ करती है, नहीं, आप अपने पाप को पुण्य से धो सकते हैं, गंगा में स्नान करके पाप को नहीं धो सकते हैं। पूनम दुबे जी एक गाना एक बहुत ज्यादा हाइलाइटर है आजकल, गोरी तो हर चुनरी बल्ला लाल हो, रोड पे करे लो कमाल चालो। अभी ये देखिए, ये हमारे आयास खान जी है, उस पर ये डांस करेंगे। देखो आयाज आप गाओ ये गाना, अच्छा छोड़िए, देखिए हम किसी का गाना चुरा नहीं रहे। अरे गोरी तो हर चुनरी बा लाल लाल। आगे आगे ये भूल गए। गोरी तो हर चुनरी बा लाल लाल हो, रोड पे चले तो कमाल चल हो। ये कोई शायद विष्णु कुमार दुबे करके है ना, विशाल कुमार दुबे, बहुत अच्छा गाए हैं, 18 साल पहले गाए कि कितने साल पहले, लेकिन वो जो 8-10 साल का लड़के ने जो गाया है ना वो गाना कोई नहीं कर सकता। आज के डेट में सबसे अच्छा आपको गाना सबसे ज्यादा बार कौन सा गुनगुनाती हैं? भोजपुरी या हिंदी? कोई भी, जो कन्नड़ याद है तो कन्नड़ ही बोल सकती हो। आयाज को मलयालम आता है, किया है उड़िया या फिल्म किया है और गाने की यहाँ तो बात है, मुझे लगता है ना कि जो है 90s के गाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। 90s के गाने, 90s के गाने मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। पूनम जी के लिए गा दीजिए, पूनम जी के लिए गा दीजिए। क्या पसंद नहीं है आपको? ए मेरे दोस्त लौट के आजा,
अरे मैं गई कहां जिंदगी ए सॉरी मेरा शॉर्ट रेडी है मैं जाता हूं नमस्कार बाय खुदा तो ये थे आयत जी एक्चुअली उनको सीन में जाने के लिए लेट हो रहा था इसलिए यहाँ से भाग गए और ऐसे बहुत 90s के सभी गाने बहुत अच्छे हैं और मेरा जो फेवरेट गाना है वो है जंग फिल्म का अनिल कपूर जी के फिल्म का और गाने के बोल अभी अचानक से आपने पूछा तो मुझे थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा अच्छा याद कर लिए पूनम जी आज दूसरे दूसरी हर कदम एक नई जंग है जीत जाएंगे हम तू अगर संग तो ये गाना बहुत पसंद है और मैं बहुत गंदे बाथरूम सिंगर हूँ पूनम दुबे का जो संग रहने वाला है वो कब आएगा पूनम दुबे के संग जो रहने वाला है उसकी मम्मी हमेशा उसके साथ है भाई उसके साथ है और जो संग रहने वाला है वो जब आएगा तो आप सबसे मिलवा दूंगा कैसा होगा आपके सपनों का राज वैसा ही होगा मतलब उसका दो आँख होना चाहिए तीन नहीं तीन आँख तो मेरे महादेव को है अच्छा उनके अलावा किसी की तीन आँख नहीं चाहिए पूनम जी आज भोजपुरी अवार्ड समारोह में कुछ कहना चाहेंगी सभी को ऑल द बेस्ट जितने भी लोगों की फिल्में नॉमिनेटेड हैं सभी को ऑल द बेस्ट सारे एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी जा रहे हैं सबको बेस्ट विशेस विनोद गुप्ता जी को बेस्ट विशेस बहुत अच्छा करते हैं आई होप ऐसे ही आगे भी करते रहें और आपको अवार्ड देते रहें नहीं मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं हूँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच